झारखंड में फिलहाल सियासी भूचाल चल रहा है, पूरा झारखंड पुलिस जो है हाई अलर्ट मोड पर है क्योंकि सीएम सोरेन कहीं नहीं मिल रहे और उनको समन भी अब 10वां समन जारी है। जनता क्या इस बारे में कहती है, आइए सुनते इस पूरे समीकरण पे क्या राय है आपका। देखिए, हेमंत सोरेन जी को मिला है समन, 10वां समन मिला है। मेरा मानना है कि एक आम आदमी को समन मिलता है तो दूसरा समन तीसरा समन में ही अरेस्ट हो गया रहता, लेकिन 10वां समन अगर मिला है तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, जाके पेश होना चाहिए, अपना बयान दर्ज करवाना चाहिए। अगर सबूत रहेगा, कोई जान के अरेस्ट तो कर नहीं लेगा, उसके ऊपर कोर्ट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और मेरा मानना है कि उनको 10 समन तक तो ये लुका छुपी का खेल ये बार बार मतलब टालना क्यों, क्या मतलब लग रहा है, क्या लग रहा है? इसीलिए अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ रहा है। पहला ही दूसरा समन में अगर पेश हो गए रहते तो इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता। आखिर ईडी अगर समय दे रहा है, वो भी अपना समय निकाल के आपके लिए इंतजार कर रहा है और आप 1 से 10 कर दिए समन। अच्छा, क्या लगता है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती है सीएम? आज नीति है, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ साल में गवर्नमेंट चेंज कर ले रहे, खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार बना, खुद ही सीएम बन रहे हैं इस्तीफा दे के, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा जगन्नाथ महतो जी थे जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी को भी बनाया गया है, तो इमोशनल टच यहाँ पे मिलेगा उनको, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है।